दिनांक 31 जुलाई को थाना सिधारी अंतर्गत चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना सिधारी पर धारा 302 के अंतर्गत FIR पंजीकृत की गई थी। इस FIR में दोनों नामजद अभियुक्त, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के लिए CO सिटी के पर्यवेक्षण में SHO सिधारी और SO महिला थाना की एक टीम गठित की गई थी। इनके द्वारा पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक के साक्ष्य संकलन के दौरान विद्यालय में लगे CCTV कैमरा और उसके DVR जब्त करते हुए CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेजी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीडीन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहां पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहां से साफ कर दिया गया था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है, इसीलिए धारा 201 IPC का समावेश भी इस विवेचना में किया गया है। वादी पक्ष से कुछ ऑडियो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिनको विवेचना में हमारे द्वारा शामिल किया गया है। छात्रा के मोबाइल को प्रिंसिपल के पास से आज सुबह बरामद कर लिया गया है। इस मोबाइल में जो सिम लगा है वो छात्रा के पिता के ID पर लिया गया है और CDR एनालिसिस से ये प्रमाणित हुआ है कि ये मोबाइल छात्रा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग ना करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि जो उसके सहपाठी हैं उसमें बेइज्जती उसको महसूस हुई होगी। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा तत्काल वहाँ से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। अभी तक की विवेचना से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पर धारा 306 और 201 IPC के अपराध में इनकी रिमांड के लिए इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। पुलिस की विवेचना अभी जारी रहेगी। जो स्कूल है उसके स्टाफ और इच्छुक छात्राओं के बयान भी अंकित किए जाएंगे। विवेचना को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलित करते हुए गठित टीम द्वारा संपादित किया जाएगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम इसमें प्रकाश में आता है तो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।